अध्यक्ष महोदय, रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस घटना की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा। मंत्री महोदय बिराजे हुए हैं, ये 26 वर्ष के पश्चात अध्यक्ष महोदय एक बार फिर वो संभावनाएं बन गई कि टिड्डी दल राजस्थान के 8 जिलों में जो अन्नदाता ने फसल पैदा करने के लिए जी तोड़ मेहनत की है उनकी पूरी फसल को लील कर जाए, इस प्रकार की संभावनाएं बन रही। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान के समर्पति जो हमारे जिले हैं, चूंकि पाकिस्तान के अंदर इस टिड्डी दल ने बहावलपुर, रोहड़ी, मीरपुरवास, रहमार खान, मांगलिया की ढाणी पूरी फसल नष्ट कर दी, और सभापति अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूं कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 19 जून को भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों की मुनावाबाद में बैठक हुई और दोनों ने यह तय किया कि जहां जहां टिड्डियों के प्रजनन की संभावनाएं ज़्यादा है उस क्षेत्र में वो छिड़काव करेंगे। अफसोस इस बात का है मंत्री महोदय, सिर्फ आपने 2 टीम बना के भेजी, पाकिस्तान ने तो इस ओर कोई कदम उठाया ही नहीं, और राजस्थान के अंदर बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, बीकानेर और गंगानगर जो इसकी चपेट में आ रहे हैं, आपने सिर्फ 2 टीम बना के भेजी है। और हालात ये अध्यक्ष महोदय कि सबसे ज़्यादा जहाँ टिड्डी दल की संभावना है वो है ये डीएन का क्षेत्र, डेजर्ट नेशनल पार्क, वहाँ टिड्डी दल एक तरह से प्रवेश कर चुका है। चूँकि डेजर्ट नेशनल पार्क है जो 3162 किलोमीटर में फैला हुआ है, यहाँ किसी प्रकार का स्प्रे और किसी प्रकार की कार्रवाई इसलिए नहीं की जा रही कि यहाँ गोडाउन है, वहाँ के अधिकारियों ने मना कर दिया और यहाँ से टिड्डी दल लगातार आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। और दूसरा जो क्षेत्र है वो है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, वहाँ सेना के अधिकारियों ने कह दिया कि यहाँ जिंदा बम हो सकते हैं, सामरिक महत्व के कारण से यहाँ भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की नहीं जा रही है। और अक्षमत है, अभी टिड्डी दल के जो देख रहे हैं टिड्डी दल चेतावनी संगठन, उसके डॉक्टर केएल गुजर ने कहा है, जो समाचार पत्रों में भी आया है, कि 1993 के बाद इस बार सबसे बड़े टिड्डी दल के हमले की संभावना है। और जिस प्रकार माननीय सदस्य ने कहा, ये एक टिड्डी 100-100 अंडे देती है अध्यक्ष महोदय, और जब ये चलती है तो 1 किलोमीटर की दूरी उसमें चलती है, सूरज को ढक लेती है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ये ऐसी बात नहीं, पूरा राजस्थान के 8 जिले से चिंतित है। मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा, निवेदन करूंगा, ये सारे किसानों की बात है, कोई राजनीति की बात नहीं, टिड्डी दल आ रहा है, कोई आप बुला नहीं रहे हो, पाकिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तान से नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए दूसरे लोग आतंकवाद आना बंद हो गया, पर टिड्डी दल रुका नहीं, इसके लिए आपको चाहिए आप सीमावर्ती इलाके में दौरा करो। और अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर बात है, राजस्थान की सरकार ने कोई किसी प्रकार के कंटेंट खत्म हो गया, मान लिया हो गया, कोई कार्रवाई नहीं की, और मंत्री महोदय आप मौन रहोगे इसका मतलब यह जाएगा कि आपको राजस्थान के 8 जिलों के किसानों की चिंता नहीं है। मैं आपको आरोपित नहीं कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं रहेगा।